नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए सैमुअल जॉनसन की लाइफ्स ऑफ द पोइट्स, जो एक उनका फेमस वर्क है और उनका सबसे महान लास्ट ग्रेट वर्क भी से माना जाता है, इसकी समरी लेकर आया हूँ। इसका पूरा नाम था प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स। ये इसे जब स्टार्टिंग में ऐसे माना गया कि तो इसे ये माना गया कि लंदन के कुछ बुक सेलर्स थे जो 1777 में डॉक्टर जॉनसन के पास आए, तो उन्होंने उसे कहा कि सर आप कुछ ऐसा वर्क लिखिए, जिसे उसने सोचा कि लिटिल लाइफ्स एंड लिटिल प्रीफेस टू ए लिटिल एडिशन ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, मतलब कुछ छोटी सी जिंदगी होगी और उनके आगे थोड़े से प्रीफेस लगा दूंगा, प्रीफेस मतलब जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन लगा दूंगा, और कुछ ही इंग्लिश पोइट्स होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। और वो फटाफट इस बात को मान गए क्योंकि डॉक्टर जॉनसन को एनेक्डोट से बड़ा प्यार था और उन्होंने बोला कि सर द बायोग्राफिकल पार्ट ऑफ लिटरेचर बेस्ट ऑफ ऑल। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये स्कोप में बहुत बड़ा बन गया। जॉनसन साहब का जो प्रीफेस थे वही पहले 10 वॉल्यूम्स में आए और उसकी जो पोइट्री थी वो 56 वॉल्यूम में पहुंच गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इन्होंने लाइफ्स को में जो ये जो जीवनियां इन्होंने लिखी हैं, हम कह सकते हैं कवियों की जीवनी है, ये जो जीवनी इन्होंने लिखी है ये क्रोनोलॉजिकली तो है, लेकिन क्रोनोलॉजिकली कैसे है, डेट ऑफ डेथ। दुनिया बनाती है क्रोनोलॉजी कालक्रम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जॉनसन साहब ने बनाया है डेट ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि सबके सब पोइट्स पे 50-60 पेज लिखे हैं, कोई पोइट तो ऐसे जिन पे 2-3 पेज ही टेप दिए, और कोई पोइट ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा वॉल्यूम ही डाल दिया। जो मेजर लाइफ्स उन्होंने लिखी हैं वो लिखी हैं अब्राहम कावले, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन और अलेक्जेंडर पोप। आप ये 5 नाम यूजीसी नेट वालों याद कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन आता है वो इसी पे आता है भी इनकी कौन कौन सी है। अच्छा, इसके अलावा एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कुछ माइनर पोइट्स को भी इन्होंने पकड़ा, जैसे कि विलियम कॉलिंस और विलियम शैनस्टोन, नाम ही नहीं सुना साहब कभी इस पर्सन का, इन्होंने उसके बारे में भी लिखा, यही बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। अच्छा, कुछ ऐसे पोइट्स थे जिनसे डॉक्टर जॉनसन को पर्सनली नफरत थी, फिर भी उन्होंने उनके बारे में लिखा, जैसे कि जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रेग्स इनको पर्सनली डिसलाइक करते थे, फिर भी उन्होंने लिखा। और इसी इसी लिखने के बेस पर कहा जाता है कि डॉक्टर जॉनसन जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रे की पोइट्री के खिलाफ प्रीजुडाइस रखते थे, पूर्वाग्रह था उनके मन में उनकी पोइट्री के प्रति। जो पोइट्स के प्रति उनके ओपिनियंस हैं, वो जो पोइट्स की ओपिनियन है वो उनके क्या करते हैं, वो बड़े जल्दी बदलते रहते हैं। इन्होंने वो ये मानते हैं कि वो जो ओपिनियन है वो डाइवर्ज है। जैसे आप कॉलिंस का एग्जांपल ले लीजिए, कॉलिंस साहब इस बंदे को जॉनसन साहब पसंद करते थे पर उनका लिखने का तरीका पसंद नहीं था। वो क्या कहते हैं, ही पुट हिज वर्ड्स आउट ऑफ द कॉमन ऑर्डर। और ये बातें जो है ये नेट के एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, अगर आप कोई MA BA का एग्जाम दे रहे हैं तब आप इन लाइनों को कोटेशन में यूज कर सकते हैं। जल्दी आपको ये जो समरी है ये मेरी जो वेबसाइट है www.englishwithchaganarora.com उस पर भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो वो कहते थे कि कॉलिंस जो है वो अपने शब्दों को सामान्य तरीके से नहीं लिखते हैं, जैसे कुछ लोग मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं, वो प्रोज को ऐसा नहीं लिखते हैं कि वो पोइट्री लिख रहे हैं। इसके अलावा उन्हें जो उनकी लाइफ ऑफ कॉली थी उस पे उन्हें बड़ा गर्व था, खास करके जो उन्होंने 17th century में उसका मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर डिस्कशन दिया था, जिसका कि अब्राहम कॉले को लास्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार नेट में आ चुका है कि लाइफ ऑफ कॉले में सबसे पहले उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स शब्द का जिक्र कहाँ किया था, लाइफ ऑफ कॉले में। अगर हम सबसे लंबी और सबसे बेस्ट लाइफ की बात करें तो द लाइफ ऑफ पोप है, वो सबसे बेस्ट है। पोप का लाइफ और कैरियर तब बड़ा ही फ्रेश फ्रेश था
और पब्लिकली उनको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बायोग्राफिकल मटेरियल मिल गया जिससे उन्होंने इसको पूरा यूज किया। और जॉनसन ये मानते थे कि पोप की जो पोइट्री है वो बड़ी कंजीनियल है, उनका जो जो उन्होंने पोप की लाइफ में जो उन्होंने एक अकाउंट दिया है वो इसलिए भी जबरदस्त बन गया क्योंकि आपको पता है पोप को हंचबैक कुब्बड़ की शिकायत थी और वो इस चीज को कोई एक्सक्यूज नहीं मानता था। जैसे जोसेफ वार्टन के प्रति जो उन्होंने दिया है वो भी बड़ा जबरदस्त दिया है, बड़ा रिमार्केबल दिया है, है। और अगर हम बात करते हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पोप और ड्राइडन में डॉक्टर जॉनसन किसे बेस्ट मानते हैं, तो वो ड्राइडन को बेस्ट पोइट मानते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने अपनी जो बायोग्राफी थी उन्हें तीन पार्ट्स में बांटा था। पहले पार्ट में उन्होंने लाइफ पोइट की लाइफ के बारे में बताया था, फिर उन्होंने उसके करेक्टर के बारे में बताया था और फिर उसकी जो मेन पॉइंट्स थी उसका क्रिटिकल असेसमेंट दिया था। इस मेथड का यूज उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ये जानते थे कि जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अच्छा पोइट हो तो वो अच्छा आदमी भी हो, अगर आपको उसके बैकग्राउंड का पता होगा तब आपके माइंड में उसका क्लियर विचार बनेगा। उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने बायोग्राफिकल मेथड का यही सिस्टम निकाला भी पहले बंदे की लाइफ बताओ, करेक्टर बताओ और फिर उसके वर्क को असेस्ट कर दो। जॉनसन ने ये होप की कि ये जो बायोग्राफिकल पार्ट है उसकी लाइफ के वो इस तरह से कंपोज थे कि वो किसी ऐसे मैनर में कंपोज थे कि लोगों को या तो बंदे पे दया आए या लोगों को बंदे को अच्छा लगेगा। और उसका मॉरल इंटेंट यही था कि आप जो देखेंगे कि पर्सन इससे प्रभावित होकर वर्चुअस बनने स्टार्ट करेगा, गुणी बनना स्टार्ट करेगा, उसे पता है कि आने वाले जो पर्सन है वो मेरे को किस तरह असेस करेंगे कि पहले पार्ट में मेरी लाइफ होगी दूसरे पार्ट में मेरा करेक्टर होगा, तो वो पहले ही वो पर्सन कोशिश करेगा कि मैं अच्छा बन जाऊं। जॉनसन ने ड्राइडन से जो पोप के जो वर्क थे, मतलब जो वो एरा जिसमें ड्राइडन टू पोप यानी कि रेस्टोरेशन एरा जो था या एज ऑफ ड्राइडन और एज ऑफ पोप अलेक्जेंड्राइन एरा था, उसके वर्क उन्होंने अच्छे से बताया। और वो जो अपनी जनरेशन के वर्क थे जैसे कि ग्रे, कॉलिंस और शेनस्टोन, उनको उन्होंने स्केप्टिकल कर दिया। हालांकि उन्हें ग्रे की एनालॉजी रिटन इन कंट्री चर्चा बहुत पसंद थी लेकिन उन्होंने ग्रे को एज ए पर्सन अच्छा नहीं माना था। कॉलिंस की भी हमने जिक्र कर ही चुके हैं कि कॉलिंस को भी वो लाइक करते थे लेकिन उसके पोएटिक मैनर को डिसअप्रूव करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट और क्रिस्पी समरी है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।